हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं बात करने वाला हूँ मिशन मजनू मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिशन मजनू मूवी को आप शेरशाह 2.0 भी कह सकते हैं, मतलब उसका 2.0 वर्जन भी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सिद्धार्थ मल्होत्रा है। ये भी एक फ्रीडम फाइटर का स्टोरी है और ये भी मतलब एक फ्रीडम फाइटर का बायोपिक भी कह सकते हैं। तो प्रॉपरली ये फ्रीडम फाइटर का बायोपिक नहीं है, जैसे शेरशाह में उसका बायोपिक हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन इसमें ये बायोपिक नहीं है, ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। देखिए, इसमें एक मूवी को हिट होने के लिए जो जो एलिमेंट चाहिए रहता है, इसमें सब चीज़ था, लेकिन फिर भी ये मतलब हिट हुआ है। ऐ नहीं बोलो कि हिट नहीं हुआ, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए, एक मूवी को किसी भी हाई लेवल पे पहुंचने के लिए, उसका कंटेंट को जो जो चीज़ का चाहिए ज़रूरत होता है, इस मूवी में सारा चीज़ें था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये सफल नहीं हुआ, मतलब ये वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका मतलब मेन जिम्मेदार है इसका डायरेक्टर जो है, तो डायरेक्टर इसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। मेनली सबसे पहला बात, पाकिस्तान को शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा डाउन दिखाया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हैं कि अरे पाकिस्तान को ताकतवर थोड़ी दिखाएंगे, पाकिस्तान को ताकतवर दिखाइए, अंत में उसी का हार होने वाला है, हम सबको पता है। अभी भी कभी भी कोई भी कुछ भी होगा तो पाकिस्तान का ही हार होगा, ये हमको भी पता है। लेकिन आप एक मूवी जब बना रहे हैं, उसको एकदम उसको जब स्क्रीन प्ले में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपका वो इंटेंशन बना रहना चाहिए, आपका जो वो एक्साइटमेंट लेवल है वो आपको बना रहना चाहिए। स्पेशली स्पाई थ्रिलर मूवी में क्या होता है, वो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता। अब अगर स्क्रीन प्ले को अगर बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर लीनियर इस तरीके का, मतलब लीनियर स्क्रीन प्ले में आप चल रहे हैं, इसमें नॉन लीनियर नहीं है, इस लीनियर स्क्रीन प्ले में चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो एग्जीक्यूशन है डायरेक्टर ठीक तरह से कर नहीं पाए। कहाँ कहाँ कर नहीं पाए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे शेरशाह में एक गाना था जुबिन नौटियाल का, उस हिसाब से यहाँ पे भी जुबिन नौटियाल का भी एक गाना दिया गया, लेकिन शेरशाह में क्या हुआ था, वो स्टोरी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहा था, स्टोरी के साथ आप मतलब स्टोरी का जो हीरो था उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे थे, उस जिस मोमेंट पे वो गाना आ रहा था उसको मतलब फील कर पाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मूवी शुरू होते ही मतलब अचानक से गाना चालू हो गया, लव स्टोरी आ गया, ये मुझे समझ में नहीं आया। और इसका जो फर्दर इमोशन यहाँ पे जो दिया गया है कि उसका पापा मतलब देशद्रोही कहलाते हैं, उनका वो कलंक इसको मिटाना है, ये चीज़ भी यहाँ पे ठीक तरह से वर्क नहीं किया। मतलब अब इमोशनली उस चीज़ का कनेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे जो पापा का जो साइड दिखाया गया है, इमोशनली इसीलिए कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो पापा का कैरेक्टर है, उसको अगर इस तरीके का देखा था कि वो भी एक स्पाई थ्रिलर थे, वो मतलब अपना मिशन के वजह से वो ऐसा मतलब देश के सामने दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं गद्दार था, वो मिशन के वजह से उनको खुद का कुर्बानी देना पड़ा, मिशन उनके मिशन का ही पर्पस के वजह से उनको देशद्रोही का टैग दिया गया, उस टैग को ये हटाना चाह रहे, उस हिसाब से अगर स्क्रीन प्ले होता तो डेफिनेटली वर्क करता, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से नहीं दिया गया, यहाँ पे सच में देशद्रोही कहलाया गया। तो वो सब खैरिए, वो सब बात छोड़िए, यहाँ पे देखिए, अगर कोई मानते हैं हीरो है आप, मैंने डायरेक्टर का यहाँ पे कोशिश किया था इसको किस तरीके के मतलब किस तरीके किस टाइप का मूवी बनाना है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया सिद्धार्थ मल्होत्रा का थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, टेंशन का मतलब मोमेंट नहीं कि उसको टेंशन हो रहा है एक मिशन पे जा रहा है। और सबसे पहला बात तो यहाँ पे पहले एक दो मिशन दिखा देता कि हाँ एक दो मिशन किया सक्सेसफुल हुआ, फिर एक बड़ा मिशन पे जा रहा है, इस चीज़ का मतलब इस चीज़ का भी ट्राई होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ का भी ट्राई नहीं किया गया है। पहले से ही एक मतलब वो मिशन के ही मतलब लगे रहता है उसी मिशन में। और हाँ, ये जो इमोशनल पॉइंट है जो रश्मिका मंदाना के साथ, इसका जो इमोशनल पॉइंट है वो डेफिनेटली वर्क किया है उसमें नहीं बोलूँगा। लेकिन दूसरा जो चीज़ था, मतलब इस मूवी ये मूवी शेरशाह से कहीं गुना ज़्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स थे इसको बेटर होने का, जितना भी इस मूवी को वर्क करने का जितना भी एलिमेंट्स है इसमें सारा था, फिर भी ये वर्क नहीं कर पाए सिर्फ पुअर डायरेक्शन के वजह से। और मुझे नहीं पता क्यों, मतलब मुझे सच में उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, डेफिनेटली आपका जहाँ पे थ्रिलिंग मोमेंट जहाँ पे है, वो सब थ्रिलिंग मोमेंट हमको अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये मूवी, मतलब आपको बोर नहीं करेगा। हाँ, एक्शंस इसका लास्ट पोर्शन में जाके आपका एक्शंस रखा गया, जो कि बहुत हाई क्वालिटी, बहुत ही मतलब रॉ एक्शन आपको देखने मिलेगा। और एक ब्रिज का सीन है जहाँ पे वो छलांग लगाता है, वो वाला सीन भी बहुत अच्छे से मतलब हाँ उसको कोरियोग्राफी किया गया है।
तो ये सब सीन लेके मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ इसका डायरेक्शन लेवल थोड़ा पुअर है, मुझे थोड़ा बेकार लगा, थोड़ा डिसअपॉइंट किया। अदरवाइज़ मूवी बहुत बढ़िया है, आप जाके देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप जाके देखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा, रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।